हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे। मैं हूं आकाश और आप मुझे देख रहे हैं भारद्वाज व्यूज में, ओनली नॉलेज, फैक्ट्स एंड न्यूज। गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बारे में कुछ कहना छोटा मुंह बड़ी बात करने जैसा होगा। भारतीय इतिहास के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो आप सब अच्छे से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लेवल लीडर मानती है। तो गाइज, जबकि नरेंद्र मोदी देश विदेश के दौरे करते रहते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते रहते हैं, तो ऐसे में उन्हें कई तरह के छोटे बड़े गिफ्ट्स भी मिलते रहते हैं। तो इतने सारे गिफ्ट्स का नरेंद्र मोदी करते क्या होंगे? अपने घर ले जाते होंगे। आप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे नेता नहीं है जो ऐसे गिफ्ट्स अपने घर ले जाए। तो गाइज, नरेंद्र मोदी को मिलने वाले गिफ्ट्स को आप अपने घर ले जा सकते हैं, और ये कैसे पॉसिबल है इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए, आप जान जाएंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भारद्वाज व्यूज पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स और न्यूज वीडियोस आपके पास आती रहें। गाइस, दुनिया भर से पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री को 2772 तरीके के छोटे बड़े गिफ्ट्स मिले हैं, और इन गिफ्ट्स के अंदर छोटी बड़ी मूर्तियां, छोटी बड़ी पेंटिंग्स और पगड़ियां और स्मृति चिन्ह भी हैं। तो अगर आप चाहें तो ई ऑक्शन यानी ऑनलाइन नीलामी के तहत इन गिफ्ट्स को अपने घर ला सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक इमोशनली अटैचमेंट फील कर सकते हैं। तो ये जानकारी दी है टूरिज्म मिनिस्टर मिस्टर प्रहलाद पटेल ने। उन्होंने बताया है कि नरेंद्र मोदी को 2772 छोटे बड़े जो गिफ्ट्स मिले हैं, इन्हें पब्लिक ऑनलाइन नीलामी के जरिए खरीद सकती है। ये जो गिफ्ट्स हैं गाइज, ये मिनिमम 200 रुपये से शुरू होकर 2.5 लाख रुपये तक मैक्सिमम बेचे जाएंगे। फिलहाल इनकी डिस्प्ले जो है वो दिल्ली के मॉडर्न गैलरी ऑफ आर्ट्स म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, ताकि लोग इसे देख सकें। और ये जो ऑक्शन है, जो ई ऑक्शन है, वो 14 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर 2019 तक चलेगा। अब गाइज, यहाँ पर पहला सवाल तो ये उठता है, बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि ये ई ऑक्शन में मिलने वाले फंड को क्या नरेंद्र मोदी अपनी जेब में रख लेंगे? गाइज, ऐसा भी नहीं है। ई ऑक्शन से जितना भी फंड कलेक्ट होगा वो सारा का सारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर दे दिया जाएगा। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट मई 2013 में केंद्र सरकार ने अप्रूव किया था, रिवर गंगा को साफ करने के लिए। एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, और गंगा नदी की वैल्यू हमारे देश के लिए क्या है आप भली भांति जानते हैं। तो गाइज, गंगा को साफ करने के लिए, उसके और डेवलपमेंट के लिए जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये सारा का सारा फंड चला जाएगा। भगवान और काफी सारी सेलिब्रिटीज की छोटी बड़ी मूर्तियां यहाँ पर हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं, तकरीबन 574 शॉल्स हैं, 964 अंगवस्त्र हैं। इस तरीके के छोटे बड़े आइटम्स आपको इस ई ऑक्शन के अंदर मिल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से आप ई ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, 13 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच ही आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको बता देता हूँ, www.pmmementos.gov.in पर आप लिंक पर जाकर क्लिक करें और यहां से आप ई ऑक्शन के अंदर अप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी तरह आप भी नरेंद्र मोदी के फैन हैं, उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, तो डेफिनेटली ये ई ऑक्शन आपके लिए है, ताकि आप उनके दिए हुए गिफ्ट को अपने घर पर लाकर उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट फील कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मुलाकात करता हूँ आपसे नए सब्जेक्ट, नए कंटेंट, नए वीडियो पर। मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।